हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा फिर वीडियो में लेकर आया हूं जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का है, और आज अपन बात करने वाले हैं क्यूमीन। जीरे की एक नई वैरायटी विकसित की है आईसीआर पूसा ने। अब कौन से इंस्टीट्यूट ने विकसित की है, क्या इसकी मुख्य विशेषता है, जो पहले वाली वैरायटी थी उनसे इसकी क्या अलग पहचान है, बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहां पर देखिएगा, काजरी जोधपुर ने विकसित की है जीरे की नई किस्म जिसका नाम है CZC94। CZ होता है काजरी और सी का मतलब होता है क्यूमीन। काजरी इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर के अंडर में आता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी के साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह वैरायटी नई निकाली है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो देखिएगा यहां पर ये 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, जीरे की जितनी भी वैरायटी है, RZ, गुजरात जीरा, ये सभी वैरायटियां 130 से 135 दिन में तैयार होती है, लेकिन जीरे की ये वाली वैरायटी सबसे कम समय में तैयार होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसको पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं कि इस वैरायटी के अलावा जितनी भी वैरायटी है उनको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन CZC वैरायटी को काम पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। और ये सूखे के प्रति क्या है, संवेदनशील है। सूखे में ये वैरायटी लग सकती है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और ये मुख्यतः राजस्थान के लिए वैरायटी है, क्योंकि राजस्थान के क्लाइमेट ड्राई है, तो ड्राई एरिया के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है दोस्तों। और सूखा के लिए ये एक रामबाण है, मैं कहूं कि सूखा के लिए एक ये बड़ी प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी होगी। तो दोस्तों, ये था जीरे की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और आपको मैं बता दूं कि जीरा बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर थोड़ा सा अपन बात करें कि बुआई का समय, बुआई के समय की बात करें तो मेरे दोस्तों, रबी सीजन की क्रॉप है जो कि इसके बुआई का समय 15 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य बुआई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, उत्थान साइंस एकेडमी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।